the usage of dimensional or dimension formula or dimensional equation or simply dimensions. हम लोग इससे पहले जो मेरा वीडियो था लेक्चर वन वो था क्या डायमेंशंस पर था, डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट पे था, डायमेंशन किसको कहते हैं और उसके लिमिटेशंस पे था। अब ये हमारा यूजेज ऑफ डायमेंशंस पे है और ये इसी को हम लोग कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला भी कह सकते हैं। तीन एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले तो है इसमें कि हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट में इन कन्वर्सन ऑफ यूनिट, वन सिस्टम यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाना, चाहे एसआई से सीजीएस या सीजीएस से एसआई, इस तरह का। दूसरा है हमारा टू चेक द करेक्टनेस और तीसरा जो हमारा है वो रिलेशन एस्टैब्लिश करने में अमाउंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। पहले हम लोग देखते हैं इन कन्वर्सन ऑफ यूनिट, जो पहला एप्लीकेशन है इसका या पहला यूजेज है इसका हमारे पास है ना, इन कन्वर्सन ऑफ यूनिट। इसमें क्या है, इसका एक फॉर्मूला है, बोलता है कि दिस यूज और दिस एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन ए फैक्ट दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड यूनिट इज कॉन्स्टेंट, है ना। नंबर और यूनिट क्या रहता है हमारा, कांस्टेंट रहता है। जैसे किसी भी एक मास को हम लोग केजी में अगर उसे मेजर करें और फिर ग्राम में मेजर करें, बट उसका जो अमाउंट मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। ये कहता है अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि दो सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है, तो हमारा उसमें अमाउंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं एन1 यू1 बराबर क्या हो जाएगा, एन2 यू2। ये पहला सिस्टम का यूनिट है उस समय नंबर, ये दूसरा सिस्टम का यूनिट है उस समय नंबर। अब देखते हैं हम कि इसमें फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट में क्या होता है, मास, लेंथ, टाइम, ये सब हमारा था पहला। कुछ ना कुछ पावर तो होता ही, हम लोग मान लेते हैं, और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा इन टू मास लेंथ टाइम टू टू ए बी सी। अब देखिए पहला सिस्टम से दूसरा सिस्टम अगर हम लोग जाते हैं तो वहां नंबर चेंज करता है, ठीक है ना, और यूनिट तो हम लोग जानते ही हैं। तो यहाँ एम टू बराबर हम लोग लिख सकते हैं एन वन एम वन बाई एम टू पावर क्या हो जाएगा ए, एल वन बाई एल टू पावर क्या हो जाएगा बी, टी वन बाई टी टू पावर क्या हो जाएगा सी। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग जो पहला एप्लीकेशन इसका है इन कन्वर्सन ऑफ यूनिट में हम लोग बनाएंगे। जैसे हम लोग पहला एप्लीकेशन लिखते हैं है ना कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जो हमारा होता है जी बराबर 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसको कि हम लोग इस सिस्टम को न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसको हम लोग सीजीएस में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है, सीजीएस में। तो देखिए ये हमारा एसआई है, ये हमारा एसआई है, हमको जाना है किसमें, सीजीएस में जाना है। अब यहाँ देख लीजिए कि पहला सिस्टम में हमारा ये दिया हुआ है वैल्यू एन वन दिया हुआ है यहाँ 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। एन टू निकालना है, देखिए इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। इसके लिए क्या है कि हम लोग डायमेंशन फार्मूला ऑफ जी लिखना पड़ेगा। पहले डायमेंशन फार्मूला ऑफ जी लिखेंगे इसका होता आता हमारा क्या है, एम माइनस वन एल क्यू टी माइनस टू, ये देखिए। और ये इक्वेशन वन हो जाएगा, ये इक्वेशन टू हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि ए बी सी कंपेयर करते हैं तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर माइनस वन, बी का वैल्यू क्या है हमारे पास थ्री, और सी का वैल्यू क्या है हमारे पास, सी का वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस टू। अब देखिए हम लोग को जाना है इसमें सेकेंड सिस्टम में जाना है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर सब वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन में। तो देखिए एन टू बराबर एन वन का वैल्यू हमारे पास है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। अब देखिए यहाँ पर मास, मास पहला सिस्टम में क्या है एसआई, तो एसआई में क्या था केजी, क्या रखेंगे वन केजी। सेकेंड सिस्टम में क्या है सीजीएस में क्या होता है ग्राम, तो वन ग्राम।
वैल्यू यहां क्या लिखेंगे, a का वैल्यू क्या है हमारे पास, a का वैल्यू -1 या -1 लिखेंगे। लेंथ एसआई में क्या होता है, मीटर, यहां लिखेंगे 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर। b का पावर कितना लिखें, 3। फिर हम लोग टाइम का लिखेंगे 1 सेकंड। c का वैल्यू क्या है, -2। देखिए हम लोग को जाना है किस में, SI टू CGS, तो जितने SI वाले टर्म है इसको CGS में कन्वर्ट कर देना है ना, क्योंकि हमको नंबर चाहिए तो सेम यूनिट लाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ 6.67 × 10⁻¹¹ ये लिख सकते हैं हम लोग 1000 ग्राम / 1 ग्राम - 1, ये हो जाएगा कितना 100 सेंटीमीटर / 1 सेंटीमीटर और ये हमारा 3। देखिए इसे CM ग्राम ग्राम कैंसिल, CM कैंसिल हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो यहां पर देखेंगे हम लोग क्या देखते हैं, ये वैल्यू क्या आता है हमारे पास, N2 का वैल्यू क्या आता है, N2 बराबर सिंपली हमारे पास आ जाता है 6.67 × 10⁻¹¹ और ये हो जाता है हमारा देखिए 1000 के ऊपर -1 × 100 के ऊपर क्यूब। इसको और लिख सकते हैं 6.67 × 10⁻¹¹, इसको लिख सकते हैं 1/1000 × ये लिख सकते हैं कितना, 3 × 2 = 6। अब देखिए ये कट जाएगा हमारे पास, इसके बचेगा 1000, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये बराबर 6.67 × 10⁻¹⁸। अब देखिए ये हमारा सेकंड सिस्टम में जैसे ही हम लोग गए तो वहां पर हमारे पास क्या हो गया, नंबर क्या हो गया 6.67 × 10⁻¹⁸। इसमें एक चीज ख्याल रखना है कि जो जैसे सेकंड सिस्टम हमारा छोटा था तो यूनिट जब छोटा होता है तो उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है। अब हम आराम से लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो वैल्यू था हमारा 6.67 × 10⁻¹ⁱ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं हम लोग 6.67 × 10⁻¹⁸ न्यूटन का क्या होता है, डाइन, मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर और केजी का ग्राम स्क्वायर। देखिए ये हमारा हुआ पहला एप्लीकेशन, कैसे यूज करते हैं वो निकालते हैं। अब दूसरा एप्लीकेशन में हम लोग चलते हैं, दूसरा एप्लीकेशन में है क्या है, इन कन्वर्स टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस, सेकेंड एप्लीकेशन या सेकेंड यूज इसको कर सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर हमारा 2 लिखते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है ये बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, बोलता है द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ LHS मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ RHS of a given physical equation। इसी थ्योरी पर ये बेस्ट है हमारा सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन में हम लोग क्या करेंगे, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पर v = u + at, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इसका LHS क्या हो जाएगा हमारा, v स्पीड है, lt-1 इक्वेशन 2। अब देखिए इसका RHS ले लेते हैं हम लोग, RHS क्या है हमारे पास, u + at, u का वैल्यू क्या हो गया lt-1 + a का वैल्यू lt-2, t का वैल्यू t⁻¹। देखिए ये कट गया तो यहाँ पर क्या हो गया lt-1 + lt-1। देखिए ईच टर्म, देखिए LHS में भी हमारा क्या था lt-1, ईच टर्म एक ही टर्म था, और राइट हैंड साइड में u का देखिए lt-1, at का देखिए क्या हो गया lt-1, तो ईच टर्म क्या हो गया सेम हुआ कि नहीं। तो अगर ईच टर्म सेम हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS, और ये डायमेंशनली करेक्ट देता है ना, फिजिकली ये नहीं कह पाएगा तो ये डायमेंशनली करेक्ट देता है। जैसे एग्जाम्पल ये अभी हम लोगों ने देखा कि ये सही है, ठीक है ना, लेकिन अगर यही अगर हमारा यहाँ हो जाता इस इक्वेशन में कि यहाँ 380 कर देते, अगर 380 कर देते तो बताइए ऐसे भी डायमेंशन जो फॉर्मूला होता है तो नंबर का कोई वैल्यू होता नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा लेकिन फिजिकली जो हमारा है ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा।
डैमेज के लिए देखिए LHS में भी हमारा क्या आ रहा है LT-1, RHS में हमारा भी यही सेम चीज आ जा रहा है। यहाँ पर देखिए LT-1 ही आ रहा है, इसको जोड़ेंगे सेम क्वांटिटी जोड़ेंगे तो वही रहेगा। ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि लेंथ को लेंथ में जोड़ेंगे तो भी लेंथ होगा, इस तरह LT-1 को LT-1 में जोड़ेंगे तो LT-1 ही होगा। ठीक है, तो देखिए डायमेंशनली ये करेक्ट हो जा रहा है लेकिन फिजिकली क्या है रॉन्ग है। इसलिए डायमेंशनल इक्वेशन ये नहीं कर सकता है, कोई भी फिजिकल इक्वेशन जो है हमारा फिजिक्स की इक्वेशन है वो फिजिकली वो करेक्ट है या नहीं है, वो सिर्फ डायमेंशनली चेक करता है। ठीक है, ये ख्याल रखेंगे। अब थर्ड एप्लीकेशन जो हमारा है वो है टू एस्टैब्लिश रिलेशन अमॉन्ग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, टू एस्टैब्लिश रिलेशन अमॉन्ग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। ये भी जो हमारा है, ये भी एप्लीकेशन, ये भी यूज जो हमारा है, ठीक है, ये भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर ही डिपेंड करता है। जब हम लोग रिलेशन को एस्टैब्लिश कर देते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशनली ये ख्याल रखा जाता है कि LHS के डायमेंशन और RHS के डायमेंशन दोनों सेम होना चाहिए। हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि एक इक्वेशन देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल देखते हैं कि उसका टाइम पीरियड का क्या रिलेशन आएगा। तो हम लोग इक्वेशन बोलता है कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द वायर या मास ऑफ द बॉल, लेंथ ऑफ द वायर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जैसे जैसे बोला, पहले क्या बोला कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास, जहां डिपेंड्स बोलता है वहां अल्फा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाइए मास, फिर डिपेंड्स अपॉन किसमें बोला लेंथ, फिर डिपेंड्स अपॉन किसमें बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। फाइनली जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे MLG, कुछ ना कुछ पावर रहेगा तो मान लेते हैं ABC। अब देखिए यहाँ T बराबर एक कॉन्स्टेंट आ गया हम लोग MALPGC, क्वेश्चन नंबर 1। अब नियम क्या है कि दोनों तरफ का डायमेंशन फॉर्मूला पुट कीजिए, तो देखिए टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, M0 L0 T के पावर में, K का डायमेंशन नहीं होगा, यहाँ हम लोग M कर लेंगे तो M हो जाएगा A, L कर लेंगे L हो जाएगा B, G कर लेंगे तो LT-2 होता है, C से मल्टीप्लाई होगा CC होगा। देखिए अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं MALB+C T-2C, यहाँ M0 L0 T1। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, मास को मास से, लेंथ को लेंथ के, और टाइम को टाइम के साथ करेंगे। अगर हम लोग इन मास करते हैं, इन एम करते हैं, यहाँ देखिए ए बराबर जीरो आ जाता है, नहीं ए बराबर जीरो आ गया, ये हमारा एक पॉइंट निकल गया। फिर अगर लेंथ में करते हैं, इन लेंथ एल में करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाता है हमारे पास जीरो, यानी बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग यूज करेंगे, क्वेश्चन नंबर ये मान लेते हैं 2 हम लोग। और फिर हम लोग टी में देखते हैं, इन टी में देखते हैं तो क्या होता है -2c बराबर, देखिए यहाँ क्या है 1 है, तो देखिए सी बराबर क्या हो गया -2, इसको यूज कर देंगे यूजिंग, ये सी का वैल्यू निकल गया हमारा है ना, यूजिंग इन टू, तो देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस, पहले से माइनस आएगा क्या हो जाएगा हाँ। अब देखिए इस वैल्यू को ए सी और बी के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे, पुटिंग The values of A, B, C in 1. तो देखिए क्या आ जाएगा T बराबर के M, M का वैल्यू क्या हो गया 0, L का वैल्यू क्या हो गया B का वैल्यू क्या हो गया हाफ, G का वैल्यू क्या हो गया -2। अब देखिए किसी का भी वैल्यू जो 0 होता है वो क्या हो जाता है हमारा 1 होता है, हम इसको मिटाते हैं, इसका काम खत्म हो गया है। ठीक है 1 होता है, तो देखिए आप लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा टी बराबर क्या हो जाएगा के, ये 1 हो गया, एल का वैल्यू हाफ, जी का वैल्यू हाफ, ये नीचे चला गया माइनस में था, तो के बराबर एल जी का पावर क्या लिख देंगे हाफ, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं टी बराबर के रूट अंडर एल बाय जी, ये रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया। ठीक है रिक्वायर्ड रिलेशन होगा, अगर के का वैल्यू आप जानते हैं तो पुट कर दीजिए, जिसे हम लोग जानते हैं के का वैल्यू 2π होता है, अगर नहीं जानते तो छोड़ दीजिए उसी तरह से, तो 2π रूट अंडर एल बाय जी हो गया।
ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम लोग फिर एक एग्जांपल लेते हैं कि इसका यूज और कहाँ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं, तो अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि इसका यूज एक और कर सकते हैं कि जैसे हम लोग मान लेते हैं कि फोर्स, फोर्स ठीक है, वेलोसिटी एंड टाइम, ये फंडामेंटल मान लेते हैं, बेस पॉइंट भी मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। और बोलते हैं कि फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ एफ वी टी। तो हम लोग जैसे अभी प्रोसीड्यूर किए तो सीधे लिखेंगे एफ एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। सेम उसी तरह से हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ वी टी ए बी सी, ठीक है। एम इक्वल टू एक अननोन कांस्टेंट एफ ए वी बी टी सी, है ना, इक्वेशन वन। चूंकि ये अननोन कांस्टेंट है तो ये इसका वैल्यू वन मान लेंगे, तो यहां हो जाएगा हमारा एफ ए वी बी टी सी। और दोनों तरफ का डायमेंशन पुट करने के बाद हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकाल कर जैसा अभी हमने बताया और इसमें पुट कर देंगे, बस यही हमारा हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला इन न्यू जो हम लोगों ने माना है बेस टर्म, ठीक है। और नेक्स्ट मैं अब इसके बाद जो डिस्कस करूंगा इससे रिलेटेड, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा जो मेरे नेक्स्ट थर्ड वीडियो में होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।